हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं उज्ज्वल श्रीवास्तव, फिर से हम लोग एक न्यू ब्लॉग में आ गए हैं। देख रहे हो आगे क्या है, हंटर जो कि कम्प्लीटली एकदम लेटेस्ट वर्जन है। इसमें दो कलर नया लॉन्च करा गया है, जो कि एक ग्रीन एक ऑरेंज आया है। तो ऑरेंज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और अभी वाला आप देख लो कि कितना प्रीमियम लग रहा है एंड इसका टेक्स्चर जो ग्राफिक्स कितना अच्छा लग रहा है। पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया, तो आप देख सकते हो। एंड टैंक पे जो सुगा पंखी कलर का ये रॉयल एनफील्ड की बैजिंग एंड ग्रीन कलर की ये टैंक पे कलर है, तो ये काफ़ी मतलब देखने में प्रीमियम लग रहा है। एंड सेंटर में आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग आती है यहाँ पे। तो और आपको इसका कम्प्लीटली साइड प्रोफाइल देख सकते हो, तो ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं करा गया है, आपके पास दो चॉइस कलर का और बढ़ गया है जो आप कलर ले सकते हो, तो आप देख सकते हो। एंड फ्रंट सेक्शन में हम चलते हैं, तो फ्रंट सेक्शन का कुछ ऐसा लुक है। एंड हेडलैम्प जलाइएगा, तो आपको हेडलैम्प भी थोड़ा जला के दिखा देते हैं कि क्या ऐसा कुछ आ जाता है आपको। हाइलोजन में आ जाएगा साइड इंडिकेटर, तो ऐसा कुछ साइड इंडिकेटर भी, और हैजार्ड लैंप का भी ऑप्शन। हैजार्ड लैंप कीजिएगा, हैजार्ड तो हैजार्ड लैंप भी जल चुका है, तो इसको नॉर्मली आपको यूज़ नहीं करना है। फॉग वगैरह में चाहे इमरजेंसी में आपको यूज़ करना है हैजार्ड लैंप का, ठीक है, इसको ऑफ कर दीजिए। एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो टायर सेक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग की कमी है, तो थोड़ा इसको आप कंसिडर कीजिएगा, इसको थोड़ा ऑफ कीजिए। इसकी भी जुगाड़ हमने कर ली है, तो 110/70 S70 EMN का इसमें एलोवा व्हील देखने को मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड। एंड ये न्यू वाला कलर जो है, यहाँ पर आपको स्ट्रिपिंग इसकी देखने को मिल जाएगी। एंड इतना बड़ा सा आपको देख सकते हो डबल डिस्क इसमें आ जाता है। एंड यहाँ पे डिस्क कैलिपर दिया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आया था, USD नहीं आता इसमें। रिफ्लेक्टर आपको बोथ साइड देखने को मिल जाएगा। इस साइड का प्रोफाइल के देखा जाए तो आप बोथ साइड आर सेम, बोथ साइड आपको सेम टेक्सचर, तो ऐसा कुछ आपको टैंक को देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो ऐसा कुछ ग्राफिक्स आ जाएगा, और रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है सेम आपको देखने को मिल जाएगी। और पहले से भी मैं इसका ब्लॉग बना चुका हूँ, तो इंजन कैपेसिटी के बारे में आपको मालूम ही है कि 350 cc की इंजन है, 20 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है और 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हो फुल एकदम कार्बन ब्लैक में है। एंड यहाँ पे एक कवर भी दिया गया एग्जॉस्ट में, ऐसा आपको जिगजैग टाइप से आ जाएगा। फुटरेस्ट आप देख सकते हो, एंड फुट स्टेप यहाँ पर दिया गया है, जिस पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग भी दी गई है। साइड यहाँ पर सेंटर में आपको रॉयल इनफील्ड 350 की बैजिंग ब्रांडिंग आपको आ जाएगा, और ये न्यू कलर वाले में आपको आ जाएगा। रियर फुटरेस्ट आप देख सकते हो, रियर फुटरेस्ट कुछ ऐसा है जो कि ये मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और बात किया जाए एग्जॉस्ट की, तो अभी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जॉस्ट नोट नहीं सुना सकता। और मेरे पिछले ब्लॉग पे आप देख सकते हो, तो ऐसा कुछ ये साइलेंसर में कोई चेंजिंग नहीं करा गया है। रेयर प्रोफाइल सेक्शन में ये स्विंग आर्म आपको देखने को मिल जाएगा, मोनो सस्पेंशन इसमें नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की टायर की अगर बात किया जाए, तो टायर साइज़ आपको 140/17 एंड 17 इंचेस का एलोवा व्हील इसमें देखने को मिल जाएगा। डिस्क बोला आपको डुअल चैनल ABS के साथ ये देखने को मिल जाता है। पीछे का ये प्रोफाइल आपको देख लीजिए, तो ऐसा कुछ अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कम्प्लीटली LED सेंटर में एक गोला सा दिया गया लाइट है। एंड इसमें आपको टर्न इंडिकेटर में आपको देखने को, एंड हैजार्ड लैंप पे आप देख रहे हो, तो इसमें नॉर्मल सा बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफ कर दीजिए इसको। एंड यहाँ पे आपको नंबर लाइट भी देखने को मिल जाएगा, आप नंबर प्लेट इंस्टॉल करा सकते हो। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। टायर काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा चौड़ा टायर है। और इस साइड की बात करें, तो बोथ साइड आर सेम, यहाँ पे भी आपको फुटरेस्ट ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड कतब सिस्टम भी आ जाता है, ड्यूबल स्टैंड भी प्रोवाइड करा गया है कंपनी ने, तो ऐसा कुछ था। तो फ्यूल टैंक एज इट इज़ पहले की तरह ही सेम है, 13.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड ग्रैब हैंडल स्प्लिटेड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कार्बन ब्लैक में है, ग्लोसी ब्लैक में नहीं है, यहाँ पे कुछ गैप मिल जाता है। सीट की बात करें, तो सीट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे स्टिचिंग भी दी गई है, थोड़ा सा स्टेप अप भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ सीट का लुक है, और सीट पे आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। टैंक का बात किया जाए, तो टैंक का कुछ ऐसा आपको जो चेंजेस है, तो यहाँ पर मेजर चेंजेस दिख रहा है। एंड हैंडल बार की बात करें, तो यहाँ पर आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर साइड इंडिकेटर, यहाँ पर पास लाइट, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच स्टार्ट, एंड यहाँ पे हैजार्ड लैंप का ऑप्शन दे दिया गया है। अभी देखते हैं कंसोल, तो ऐसा कुछ इसका वेलकमिंग फीचर्स आ जाता है। एंड यहाँ पे आपको ऑडोमीटर,
ट्रिप मीटर, आपको स्पीडोमीटर सारे डिजिटल देखने एनालॉग देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम माइलेज भी शो करेगा, गियर शो करेगा, टाइमिंग शो करेगा, तो ये सारे चीज़ आपको डिजिटल शो करने वाला। ABS के नीचे ब्रांडिंग दी गई, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, न्यूट्रल का यहाँ पर दिया गया, तो ऐसा कुछ कंसोल का सिस्टम है, ठीक है। वो मोबाइल चार्जिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि नीचे के तरफ है, आप यहाँ पे देख लेना, देखो यहाँ पे दिया गया है, तो लेफ्ट साइड के हैंडल बार के नीचे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली ये बाइक ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो सोल्ड आउट की बैजिंग लगा दी गई है। तो एक कलर काफ़ी लोगों को एकदम अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि देखने में भी, अगर आपको देखना है, अगर लेना प्लान कर रहे हो तो ज़रूर शोरूम में आप विज़िट करो, क्योंकि ये कलर काफ़ी यूनिक है। इसका एक और कलर है जिसका मैं वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको डिलीवर किया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हैं, और अभी ये ब्लॉग बन रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग हैं राज मोटर्स में, रॉयल इनफील्ड राज मोटर्स, और कचहरी के पास इसका ये शोरूम आ जाता है, एंड मोतिहारी कोर्ट के पास आपको इसकी एजेंसी मिल जाएगी। इसका जो भी इन्फॉर्मेशन लेना हो मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फाइनेंस भी अवेलेबल है और सारे बाइक्स भी यहाँ पे अवेलेबल, पूरा बाइक अवेलेबल है, कोई भी इंक्वायरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।